शकुंतला देवी का पति भूत बनकर नागेंद्र और कमला को मारकर अपना बदला चुकाया। बहू को सताने की वजह से शकुंतला देवी और मोनिका को गंजी करवाकर उनको भी सबक सिखवाया। शकुंतला देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह पूरी तरह से बदल गई थी। नागेंद्र द्वारा हड़पी गई जायदाद उसकी बेटी मोनिका को दे दी। शकुंतला देवी अब दिव्या को बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह देखने लगी, लेकिन नागेंद्र द्वारा दी गई जहर की वजह से दिव्या कभी भी मां नहीं बन सकती थी। ये सोचकर शकुंतला देवी दुखी हो रही थी, पर दिव्या बहू ने उसे बहुत बड़ी शॉक दे दी। वो बोली कि उसका तीसरा महीना चल रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। जी सासू माँ, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन दामन में स्थित बड़गद की पेड़ की कृपा से मुझे बच्चे हो गए। तुम शुद्र पूजा कर रही हो करके लोगों को बताकर तुम्हें सबके सामने बैठ करने के लिए उस बड़गद की पेड़ की कहानी कमला ने तुम्हें बताई है। इसका मतलब तुम अभी भी बड़गद की पेड़ की पूजा कर रही हो? नहीं सासू माँ, उस पेड़ की महिमा नहीं। कौन सी बात है बताओ बहू, सीक्रेट सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बता रही हूँ सासू माँ, मैं जब कुएं में कूदी उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। एक सप्ताह बाद आंख खोलकर देखने पर मैं अपने मायके में हूँ। माँ, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं मरी नहीं? मर जाना क्या बेटी, तुम यहाँ पर कैसे आई मुझे भी नहीं पता। एक सप्ताह पहले सुबह होते ही पलंग पर थी। हर दिन डॉक्टर आकर मेडिसिन देने की वजह से आज तुमने आंखें खोली। असल में तुम मरना क्यों चाहती थी बेटी? दिव्या ने सारी बातें अपनी माँ को बताई, जिससे उसकी माँ दुखी हो गई। हे भगवान, वो शकुंतला देवी पैसों के लिए तुम्हें इतना सताई है? इसका मतलब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती? हाँ माँ, मेरा जिंदा रहना बेकार है। ऐसा मत कहना दिव्या, भगवान तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अकेली बैठी दिव्या को बार बार नागेंद्र, कमला और शकुंतला देवी द्वारा दी गई धोखे के बारे में सोच रही थी। दीपक के गाली देना और मारने के बारे में सोचकर रो रही थी। छी, मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर फूल बनकर उस कमला की बातें सुनकर गंजी होकर पेड़ पर दूध डाली हूँ। मेरी वजह से मेरे पति की इज्जत चली गई है। वैसे भी कभी मैं माँ नहीं बन सकती। यदि मैं जिंदा रहूंगी तो मेरा पति दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरा मर जाना इस समस्या का समाधान है। इस प्रकार आत्महत्या करके मर जाने के लिए वो जा रही थी। इतने में मैं यदि मायके में मर जाऊं तो गांव में सभी लोग मेरे पति द्वारा दी गई दुख की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली करके सोचेंगे। मेरी वजह से उनका और सासू माँ का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अपने ससुराल के गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ के पास जाने लगी, ताकि उस पेड़ से फांसी लगा सके। वैसे भी सभी लोग कह रहे हैं कि मैं उस पेड़ पर शुद्र पूजा कर रही हूँ करके। उस पेड़ से ही फांसी लटकाने से शुद्र पूजा के लिए मैंने अपने आप को बलि दी करके सोचेंगे। मेरी सासू माँ और मेरे पति का भी नाम खराब नहीं होगा। सुबह तक बरगद के पेड़ के पास वो पहुँच गई। भूत, भूत। डरो मत दिव्या, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, शकुंतला देवी का पति हूँ। तुम्हें कुएं से निकालकर तुम्हारे घर तक पहुँचाने वाला मैं ही हूँ। तुम मरना मत बहू। कुछ ही दिनों में मैं शकुंतला देवी को सबक सिखाता हूँ, तुम देखना। ससुर जी नमस्ते जी, माफ कर दीजिए, मेरा जीवित रहना बेकार है। कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ ना, इसीलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मर जाने दीजिए। क्या माँ ना बनने पर तुम मर जाओगी? भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ की सृष्टि की है ऐसा कहा जाता है। पर मैं माँ नहीं बन सकती तो जीवित रहकर क्या फायदा ससुर जी? भगवान ने यदि माँ की सृष्टि की है तो शकुंतला जैसी झगड़ालू सास की सृष्टि क्या शैतान ने की है? कम उम्र में मरकर मेरे जैसा भूत मत बनना बेटी,
जिंदा रहकर सब कुछ हासिल करो। ओए मूर्ख, कब के गए अब आ रहे हो? तुम्हारी राह देख देख कर मैं भी बरगद के पेड़ की शाखाओं में एक शाखा में बदल गया हूँ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। बरगद के पेड़ के जड़ों में बड़ा भूत, एक तरफ बरगद के पेड़ के डाली पर ससुर भूत, और एक तरफ ये बड़ा भूत कौन है ससुर जी? सालों पहले जब तुम्हारा पति छोटा था, तब तुम्हारी झगड़ालू सास शकुंतला देवी से तंग आकर मैं संसारिक जीवन से तंग आ गया था, और घर छोड़कर बनारस जाकर मैं सन्यासी बन जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा। जब मैं जा रहा था तो उस वक्त मुझे गांव के दामन में ये गुरुजी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। कोई साधु लग रहे हैं, इनके पास शिष्य बनकर मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। गुरुजी, मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। दिखने में तुम बहुत पैसे वाले लग रहे हो, तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? मेरी बीवी द्वारा दी गई सारी तकलीफें मैंने बताई और वे मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे बोले, और अपने साथ हिमालय भी ले जाएंगे बोले, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त स्वामी जी? कुछ नहीं बेटा, एक बार सन्यासी बन गए और मेरे साथ हिमालय में आ गए, फिर लौट कर नहीं आ सकते हो। अगर तुम्हारी कमाई हुई कोई जायदाद हो, यदि तुम उसे अपने बेटे को देना चाहती हो तो उसे देकर आओ। गुरुजी ने जो कहा था वो मुझे बिल्कुल सही लगा, इसलिए मेरी पूरी जायदाद मेरे बेटे दीपक को दे दूंगा, ये सोच में जाने लगा, पर मुझे एक संदेह हुआ। क्या गुरुजी मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा प्लान किए हैं? मुझे घर जाने के लिए कहकर शायद वे चले जाएंगे। देखने में तो बहुत ही तपोशक्ति वाले साधु लग रहे हैं, यदि मैं इनको छोड़ दूं तो शायद मुझे इतने अच्छे गुरुजी नहीं मिलेंगे। ऐसा सोच पीछे लौटा। गुरुजी, मेरे घर से लौट के आने से पहले शायद आप चले जाएंगे, ऐसा मुझे शक हो रहा है। मैं घर नहीं जाऊंगा, चलिए आपके साथ हिमालय पर चलते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने तक यहीं पर इंतजार करूंगा। आराम से जाकर अपने बेटे को तुम्हारी जायदाद देकर आओ, आखिरी बार अपने परिवार को देख कर आओ, जाओ। मुझसे छुटकारा पाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो गुरुजी। नहीं बेटा, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा, तुम जाकर आओ। तो फिर मेरी कसम खाकर बोलिए, तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। तुम्हारे यहां आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, तुम आराम से आओ। घर जाकर जायदाद की कागज यदि शकुंतला देवी को दूं तो उसे शक होगा और वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए शकुंतला देवी के भाई के घर में गया। मेरी सबसे बड़ी वही गलती थी, वो नागेंद्र जायदाद के लालच में मुझे मार डाला। मूर्ख, तुम्हारी वजह से मैं हिमालय में नहीं जा पाया, तुम्हें कसम दिया था, इसलिए यहीं पर पेड़ के नीचे वेट कर करके भूख प्यास से मर गया। भूत बनकर इसी पेड़ के जड़ों में रह रहा हूँ। तुम बोल कर गए थे कि 2 घंटों में आ जाऊंगा, 22 सालों बाद भूत बनकर आए हो। चप्पल में गोबर की तरह, दीवार पर गोईठे की तरह मुझसे चिपके हो। मैं सन्यासी हूँ पर तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, मूर्ख कहीं के। गुरुजी, गुरुजी, सॉरी सॉरी, मैं लौट कर आने के लिए ही गया था, पर उस नागेंद्र के हाथों मारा गया। इस तरह सारी बातें गुरुजी को समझा कर बताया। ओहो, इसका मतलब इस पेड़ के जड़ों में 21 दिनों तक आधी रात को दूध डालकर मेरी भूख प्यास मिटाने वाली वो तुम्हारी ही बहू है। जी स्वामी, कमला के कहने पर मैंने वैसा किया, गंजी होकर मेरे बालों को इस पेड़ को देकर, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं माँ नहीं बन सकी। रो मत बेटी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा त्याग बेकार में नहीं गया। तुम्हारी डाली हुई दूध से मेरी सालों की भूख मिट गई,
और मेरे द्वारा हासिल की गई तपोशक्ति तुम तक पहुंची है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम माँ बनोगी बेटी। जय हो। इस प्रकार वरदान देकर गुरुजी गायब हो गए। ससुर जी मुझे अपने मायके चले जाने को बोले। तुम्हारी सासू माँ को सबक सिखाकर उसमें अच्छे बदलाव लाऊंगा। तब तक मुझे अपनी माँ के पास ही रहने के लिए बोले। ससुर जी ने जैसा कहा बिल्कुल आप वैसे ही बदल गई हैं सासू माँ। ऐसा ही घटा था सासू माँ, बरगद के पेड़ के जड़ों में गुरुजी के वरदान से आपने मुझे जो जहर दिया उसका कोई असर नहीं हुआ। हे भगवान, मेरा पति सन्यासी बन जाना चाहता था, क्या मैं इतना सताई हूँ बेचारे मेरे पति को। ओ जी, आप जहाँ भी हो मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी ए शकुंतला देवी, अगली बारी तुम्हारी है। फ्रेंड्स, शकुंतला देवी को मेरे द्वारा किया गया रैगिंग कैसा होगा यदि आपको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स।